ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन बिजनेस आइडिया, ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन कर आप कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा, वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान किए। आपने कई बार पर्यावरण की किताबों में ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। क्या आपको पता है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का हिंदी अनुवाद होता है जैविक, जिसका मतलब होता है एक तरह की प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान किए हुए और साथ ही नई तकनीकों की सहायता से अच्छा उत्पादन किया जाए। इसी तरह एक और शब्द होता है जिसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल उत्पादन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एक तरह का प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें मिट्टी की हेल्थ, जैविक पर्यावरण और लोगों की हेल्थ से बिना समझौता किए हुए पूरे विकास के साथ सब्जी का उत्पादन किया जाए। इसके साथ ही इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। साथ ही पानी का भी समुचित और समावेशी आधार पर नियंत्रित प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्पादन में अलग तरह के ट्रेडिशन, इनोवेशन और विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले नए आविष्कारों की मदद से ही हम एक समावेशी और जैविक खेती कर पाते हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि ये नेचुरल डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल साइकिल को प्रमोट करती है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है। इसी वजह से ये किसान को स्वावलंबन बनाने वाला और लंबे समय तक मुनाफा कमाकर देने वाला व्यवसाय बनकर उभरा है। विश्व में पहली बार जैविक खेती की शुरुआत 1930 के दशक से हुई थी, जो कि भारत में लगभग 1950 में इस्तेमाल में आना शुरू हुई थी। आइए अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से सब्जी लगाने का लक्ष्य। हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी के साथ ही सब्जी का इतनी मात्रा में उत्पादन करना जो कि वर्तमान समय की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, साथ ही ट्रेडिशनल एनर्जी स्रोतों का इस्तेमाल करने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत का इस्तेमाल करना, अर्थात ऐसी ऊर्जा जिसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। अपनी खेती को सभी प्रकार के प्रदूषण से बचाने के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जैविक तरीके से सब्जी उगाने के लिए जरूरी क्या मशीनरीज होती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से खरपतवार कंट्रोल करने के लिए कई तरह की खरपतवार नाशक मशीन मार्केट में मिलती है, परंतु भारत के किसानों के पास इतनी बड़ी जमीन का क्षेत्र ना होने की वजह से वो खुद के स्तर पर बड़ी मशीन नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें सरकार की तरफ से ही पूरे गांव के लिए एक मशीन दी जाएगी, जिसे सब्सिडी की राशि पर लोगों को प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में सभी लोग उस मशीन को इस्तेमाल करेंगे। बर्निंग मैकेनिकल तकनीक, इसमें एक अलग तरह की खरपतवार नाशी मशीन होती है, जिसमें उसे अलग तकनीक का इस्तेमाल कर जलाया जाता है, जिसमें प्रदूषण भी बहुत कम मात्रा में होता है, एवं इसके साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरा क्षमता भी बनी रहती है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि जीरो बजट फार्मिंग को लोग जैविक फार्मिंग ही समझ लेते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। जैविक खेती करने के लिए आपको थोड़े बहुत निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि जीरो बजट फार्मिंग में पूरी तरह से खेती जीरो बजट पर ही की जाती है। धरती से करने में किसी प्रकार का खर्च नहीं आता है, क्योंकि इसमें काम में आने वाला फर्टिलाइजर को घर पर ही गाय और भैंस इत्यादि के गोबर का इस्तेमाल कर बनाया जाता है और उसे ही खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य मशीनों में देखें तो ट्रैक्टर, हल, कल्टीवेटर, रोटावेटर, रोलर, प्लांटर, ड्रिल, टॉपर, हार्वेस्टर इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो कि आप किसी भी बड़े स्टोर से खरीद सकते हैं। बड़ा किसान इस मशीन को आसानी से खरीद पाता है, परंतु छोटे किसान के लिए सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडी दे रखी है। इसके साथ ही आपको अपनी सब्जी की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे जगह का चुनाव। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वर्तमान में किसानों के पास इतनी अधिक जगह नहीं बची है, क्योंकि नई पीढ़ी में उस जगह का बंटवारा हो जाता है, परंतु फिर भी आपको ऑर्गेनिक खेती के लिए इतनी अधिक जगह की जरूरत नहीं होगी और इसमें आप कम जगह पर ही अधिक सब्जियों का उत्पादन कर पाएंगे, जिससे आपका मुनाफा भी अधिक हो सकता है। इसके लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपनी जगह की मृदा की उर्वरता। यदि आपकी मृदा की उर्वरता अधिक होगी तो आप आसानी से कम जगह पर अधिक उत्पादन कर पाएंगे और उस मृदा को पानी की आवश्यकता भी कम होगी। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ और मरुस्थल मृदा इस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जलोढ़ मृदा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और यही क्षेत्र आज भारत में ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में शीर्ष पर है। इसके साथ ही दूसरे प्रकार की सॉइल भी काम में ली जा सकती है, जिसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता कम हो तथा साथ ही उसमें पीएच लेवल और ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो। आपको मृदा की उर्वरता के अलावा अपने क्षेत्र में पानी की उपलब्धि का भी ध्यान रखना होगा और उसकी उचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारत के क्षेत्रों को कई जोन्स में बांटा गया है। जहाँ पर पानी की अधिक उपलब्धता है उन्हें जोन वन में रखा गया है और जहाँ पर पानी की सबसे कम मात्रा है उन्हें जोन थ्री में रखा गया है। जैसे कि गंगा के मैदानी भागों में आपको पानी की उपलब्धता अधिक मिलेगी।
जबकि राजस्थान का कुछ भाग और जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र अंतिम जोन में डाला गया है। इसलिए कभी भी ऐसे क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का विचार ना बनाएं जहां पर पानी की उपलब्धता कम हो। बीज की उपलब्धता, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप अपनी फसल का अच्छा पैदावार करना चाहते हैं तो उसके उत्पादन में काम में लाए जाने वाले बीज भी अच्छी क्वालिटी के हों। इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय संस्थाएं जेनेटिकली परिवर्तित किए हुए बीज प्रदान करते हैं, हालांकि भारत सरकार के द्वारा उन्हें बैन किया गया है। भारत में एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जिसे बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है, जो कि कपास की साधारण जीन में परिवर्तित कर बनाई गई एक वैरायटी है। भारत में केवल इसी का उत्पादन करना लीगल है, परंतु कई किसान अधिक मुनाफा करने के लिए प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा ब्लैक मार्केट में भेजे जाने वाले कई सब्जियों के जेनेटिक्स मॉडिफाइड बीज खरीद कर उत्पादन करते हैं। हालांकि ये इन सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। इस प्रकार हमने जानी कुछ ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रिया अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग होती है, परंतु हम कुछ सब्जियों के आधार पर मानते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर और आलू इत्यादि। इसके अलावा भी आप दूसरी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्र की मिट्टी की क्वालिटी के आधार पर दूसरी सब्जियों के उत्पादन की क्षमता को जांच लें। आइए जानते हैं। जैविक सब्जी के उत्पादन के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल इंटरवेंशन तकनीक। इस तकनीक में अपने घर के किसी भी छोटे से भाग में बड़ा सा डॉम लगाकर, जो ऊपर से पूरी तरह से ढका हुआ हो, उसे उस डॉम के अंदर आप उस सब्जी की आवश्यकता अनुसार तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसके ऊपर पॉलिथीन के एक कवर लगाया जाता है, जो कि सब्जी को बाहर से होने वाली बारिश तथा मिट्टी की दूसरी बीमारियों से बचाता है। FIRB। इस तकनीक का मुख्य इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये लगभग 36% तक पानी बेचने में सहायक होता है। इसके दूसरे भी फायदे हैं, जैसे कि इसमें कम बीज की आवश्यकता होती है और बीज आसानी से मिट्टी में होने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिस कारण फसल के बढ़ते समय नुकसान भी कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। रूट एरिया इरिगेशन तकनीक। इस तकनीक का इस्तेमाल भी मुख्यतः पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही किया जाता है। ये लगभग 30% तक पानी बचाने में सहायक होता है। आप इस पानी का इस्तेमाल दूसरी फसल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तकनीक का इस्तेमाल जिस तरीके से मिट्टी में किया जाता है, वो मिट्टी पानी को बहुत कम सोखती है। माइक्रो इरिगेशन एंड फर्टिगेशन। इस तकनीक में पानी के बचाव के साथ साथ फर्टिलाइजर की भी बचत की जाती है, तथा साथ ही होने वाले उत्पादन लगभग 70-100% तक अधिक होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ने के साथ आपको मिलने वाला मुनाफा भी अधिक होगा, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है, जिस कारण जैविक उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहक आपकी सब्जी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ड्रिप सिंचाई विधि। टमाटर की सब्जी के उत्पादन में मुख्यतः इस तरह की सिंचाई विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टमाटर की पौध के नजदीक में एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, जो कि पत्ती रबड़ की पाइप होती है। इसमें कई स्थान पर छोटे छोटे कट लगाकर वहां पर अलग से छोटी छोटी पाइप डाली जाती है, जिसमें वो बहने वाला पानी बूंद बूंद के रूप में टमाटर के जड़ तक पहुंचाता है। इस विधि का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बेवजह पानी खराब नहीं होता और पानी सीधा फसल की जड़ों तक पहुंचता है। इसके साथ ही इस विधि में खाद के रूप में जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेड़ों के सूखे पत्तों को कुछ समय दबाकर बनाया जाता है। साथ ही पशुओं के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्चिंग। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है, जो कि मिट्टी की नमी को बरकरार रखती है। इसमें भी एक बड़ा डॉम बनाया जाता है, जिसे ऊपर से प्लास्टिक से ढका जाता है। इस तकनीक में लगभग 30-40% तक अधिक मुनाफा होना होता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।